हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एस बी लिवॉन। आज मैं यहाँ बात करने जा रही हूँ मैग्नेटिक लाइनर एंड आईलैशेस सेट के बारे में। ये बहुत ही ज़्यादा वायरल प्रोडक्ट है और अगर आपने इसके एडवर्टीजमेंट्स देखे होंगे तो उसमें साफ साफ ये दिखा रहे हैं कि ये इजी टू यूज़ है। विद इन 5 सेकेंड्स आप इन लैशेस को अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम मिलकर यही देखेंगे कि कहाँ तक इसके क्लेम्स सही और अपने मनी के अकॉर्डिंगली कितना वर्थ करता है ये प्रोडक्ट। तो वीडियो शुरू करने से पहले देख लेते हैं कि मैग्नेटिक आईलैशेस एंड आईलाइनर होता क्या है। फ्रेंड्स, ये प्रोडक्ट आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और वैसे यूजुअली क्या होता है कि हम लोग जब अपनी फॉल्स आईलैशेस लगाते हैं तो उसको हमें स्टिक करने के लिए ग्लू की ज़रूरत होती है। बट मैग्नेटिक आईलाइनर एंड आईलैशेस में छोटे छोटे मैग्नेट्स होते हैं जिससे कि विदाउट ग्लू आईलैशेस जो हैं वो अपर आईलिड पर स्टिक हो जाती हैं। फ्रेंड्स, मैं भी फर्स्ट टाइम ही इसे यूज़ करूँगी और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस प्रोडक्ट के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसकी आउटर पैकेजिंग है जिसमें ये पैक होकर आया था। तो यहाँ पर ये मैग्नेटिक आईलाइनर एंड आईलैशेस लिखा हुआ है, इसके अलावा इस पैकेट पर और कुछ भी नहीं लिखा है। तो मेन प्रोडक्ट देख लेते हैं। तो ये कुछ इस तरह से रिसीव हुआ है। यहाँ पर मुझे 3 pairs ऑफ आईलैशेस रिसीव हुई हैं, उसके अलावा 1 eyeliner है और ये आईलाइनर की बॉटल मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ, इस पर भी कुछ भी मेंशन नहीं है। तो मैंने जहाँ से इसे ऑर्डर किया था तो मैंने वहीं से स्क्रीनशॉट्स ले लिए थे क्या क्या कितना कितना है, तो मैं वो स्क्रीन पर लगा दूंगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। उसके अलावा थर्ड प्रोडक्ट ये ट्वीज़र्स हैं और ये आईलैशेस को अप्लाई करने के लिए यूज़ होते हैं। तो इसकी यहाँ पर आप ये लैशेस देख सकते हैं और ये लैशेस जो हैं काफ़ी मुझे पसंद आई। आप देख सकते हैं खुद, बहुत ज़्यादा नेचुरल लुक है इसमें और वहाँ पर कुछ मेंशन नहीं है कि सिंथेटिक है या ह्यूमन हेयर से बनी है, कुछ भी नहीं मेंशन है। बट ये सिंथेटिक ही लग रही हैं मुझे, बट काफ़ी नेचुरल लुक आ रहा है इसमें। और ये 3 different ओकेजन्स के लिए हैं बट मुझे यहाँ पर ये सेम ही लग रही हैं, कोई ना ज़्यादा थिक है ना लाइट है। और इन लैशेस पर छोटे छोटे मैग्नेट लगा हुआ है, देखिए काफ़ी अच्छे से ये यहाँ पर स्टिक हो रही हैं। तो इसकी साइट पर ये लिखा हुआ है कि ये हाइपोएलर्जेनिक एंड नॉन इरिटेटिंग इंग्रेडिएंट से बनी हुई हैं जिससे ये आपकी स्किन को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएगी। उसके अलावा ये रीयूजेबल हैं, इजी टू अप्लाई हैं और विंड प्रूफ भी हैं। तो इसे मैं आगे टेस्ट करूंगी, देखते रहिएगा वीडियो को। इसके अलावा ये आईलाइनर है और आईलाइनर का ये एप्लीकेटर कुछ इस तरह का है एंड अकॉर्डिंग टू देम आईलाइनर वाटरप्रूफ है, ऑयल प्रूफ है एंड विंड प्रूफ है। और ये काफ़ी पिगमेंटेड लगा मुझे। इसको अप्लाई करने के लिए लाइनर लगाना है आपको और उसको एटलीस्ट 1 या 2 minutes के लिए छोड़ना है जब तक कि वो कम्प्लीटली ड्राई ना हो जाए। तो स्टार्टिंग में मुझे इसे लगाने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई क्योंकि मैंने इसके ऊपर कोई इंस्ट्रक्शंस तो लिखे हुए नहीं थे, मुझे पता नहीं था कि इसको पूरा ड्राई करना है, तो वो ठीक से अटैच नहीं हो पा रही थी लाइनर से। बट बाद में जब वो कम्प्लीटली ड्राई हो गया उसके बाद मैंने कोशिश करी तो वो अच्छे से लग गई। आप ये देखिए, मैंने उसे काफ़ी पकड़ के खींचने की कोशिश करी, वो तब भी नहीं निकल रही है, काफ़ी इंटैक्ट हैं। तो इसका विंड प्रूफ टेस्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर हेयर ड्राई से इसको ब्लो ड्राई किया और आप ये देखिए ये अपनी जगह इंटैक्ट हैं, बिल्कुल भी नहीं हिल रही हैं। बट हल्का सा वो आईलाइनर जगह जगह से छूट गया था, तो उसकी वजह शायद ये हो सकती है कि हेयर ड्रायर में से हॉट हेयर निकलती है तो उसकी वजह से वो थोड़ा सा हट गया अपनी जगह से। बट स्टिल इसने ये टेस्ट बहुत अच्छे से क्लियर किया। उसके अलावा मैंने यहाँ पर सोचा कि मेरे पास और भी आईलैशेस रखी हुई थी जो ट्रेडिशनल आईलैशेस होती हैं ग्लूस की हेल्प से जो स्टिक होती हैं, तो उसको मैं एक बार इसके साथ टेस्ट करना चाहूँगी कि किस तरह से वो इसके साथ अटैच हो पाती हैं या नहीं हो पाती हैं। तो ये आईलैशेस हैं और मैंने, आप ये देखिए यहाँ पर मैं सरप्राइज्ड रह गई बिल्कुल देखकर, क्योंकि मेरी ये जो दूसरी फॉल्स आईलैशेस थी वो भी इस पर बहुत अच्छे से अटैच्ड हो गई, हालांकि ये मैग्नेटिक नहीं थी। और इसकी साइट पर क्लियरली लिखा हुआ था कि ये आईलाइनर ग्लू फ्री है, तो यहाँ पर मैं नहीं समझती कि आईलाइनर ग्लू फ्री है क्योंकि अगर ये होता तो ये फॉल्स लैशेस दूसरी वाली इस पर अटैच हो ही ना पाती। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया है कि ये आईलाइनर जो है वो ग्लू फ्री नहीं है। उसके अलावा ये लाइनर वाटरप्रूफ है, ऑयल प्रूफ है और आप इसे मेकअप रिमूवर से इजीली रिमूव कर सकते हैं। तो एंड में यहाँ मैं बात करूँगी इसके वर्थ करने की, कि जो भी मनी मैंने इस पर स्पेंड करी है ये वर्थ करता है या नहीं करता है। तो गाइज, इसे बाय करने के लिए मैंने ₹1190 पे किए हैं और उसके अकॉर्डिंगली
यहाँ पर मैं सारी इसके तीनों प्रोडक्ट्स की अलग अलग बात करना चाहूँगी। लाइक ये लैशेज़ हैं, लैशेज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, नेचुरल हैं और इसका अगर मैग्नेट आप देखें तो बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। एंड लाइनर की अगर मैं बात करूँ तो उससे मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि जैसा कि हम खुद टेस्ट कर चुके हैं कि इसमें ग्लू है। उसके अलावा इस आई लाइनर की क्वान्टिटी बहुत कम है, एटलीस्ट यहाँ पर 2 बॉटल्स इन्हें इस सेट में देनी चाहिए थी। अगर ये ख़त्म हो जाएगा, और ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, तो हम दूसरा फिर कहाँ से लेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सेट के साथ बिल्कुल भी कोई ना मैनुअल है, ना कि बॉक्स के ऊपर कुछ लिखा हुआ है, तो ये चीज़ तो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। उसके अलावा ये लैश एप्लीकेटर जो है, इसकी भी क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, बहुत ही लो ग्रेड प्लास्टिक का बना हुआ लग रहा है, वो देखने में ही लग रहा है। और तो आई डोंट थिंक कि ये वर्थ करता है जो भी मनी इसकी है, उसके अकॉर्डिंगली इससे कम पैसों में आप अमेजोन से मैग्नेटिक आई लाइनर एंड आई लैशेज बाय कर सकते हैं। और रही बात इसके वर्क करने की, तो ये वर्क अपना कर रहा है, बट पैसे बहुत ज़्यादा हैं, मनी इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए थी। ये अगर 500 होता, 600 भी होता, जब भी चल जाता। तो ये मेरा सोचना था इस प्रोडक्ट को लेकर। आपका क्या सोचना है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक भी कर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय।